डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉप डिस्पेंसर एज वेल एज लिक्विड डिस्पेंसर जो है वो आते हैं। दोस्तों हम देखते हैं आज अलग अलग लिक्विड डिस्पेंसर में क्या डिफरेंस है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया। अपग्रेड इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ये वीडियो जो है वो पूरा जरूर से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या आता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला सॉप डिस्पेंसर। ये देखिए दोस्तों, आसानी से ये खुल गया है और सबके पंप में जो है वो डिफरेंट आता है। दोस्तों चलिए हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसमें हम लिक्विड जो है सादा पानी जो है वो भरेंगे। ये देखिए ये पानी जो है वो हमने इसके अंदर फिल कर दिया है और अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पानी जो है किस तरह से उछल उछल कर आ रहा है। अब हम दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसमें। इसमें अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये इतना आसानी से निकलता नहीं है। ये देखिए ये पंप जो है इसके साथ ही लग गया है, लेकिन अगर ये निकल जाता है, रिमेंबर ये अगर निकल जाता है तो इसके अंदर ये देखिए एक बैलेट जो है वो दिया गया है। अब हम विदाउट बैलेट इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। इसको निकाल देता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, काफी सारी कंप्लेंट्स जो है वो आती है सॉप डिस्पेंसर के बारे में कि इसमें से लिक्विड बाहर नहीं आ पा रहा है। ये देखिए, तो अगर बैलेट निकल गया, ये छुरा अगर निकल गया तो आपका लिक्विड डिस्पेंसर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ये देखिए, ये है लिक्विड डिस्पेंसर नंबर वन। चलिए मैं इसको साइड कर देता हूं। अब हम देखते हैं ये वाला लिक्विड डिस्पेंसर। ये देखिए दोस्तों, ये डिफरेंस दोनों में क्या है, ये पूरा उड़ गया है और ये ऊपर का ढक्कन जो है वो उड़ गया। दोस्तों इसमें लॉक जो है वो दिया जाता है ताकि ये आसानी से खुले ना, इसको आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी होती है। चलिए इसमें भी हम पानी फिल करते हैं। दोस्तों प्राइस डिफरेंस जो है वो आता है, ये देखिए ये पंप भी थोड़ा सा अलग है। जितना पैसा आप पे करोगे ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो प्राइस कंपेयर करने से पहले प्रोडक्ट जो है वो कंपेयर जरूर से करनी चाहिए। ये देखिए कैसे उछल उछल कर पानी जो है वो आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका भी बैलेट निकाल कर, इसका छुरा जो है वो निकाल कर चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। इसको निकाल देता हूं मैं। अब ये लग गया। ये देखिए दोस्तों, तो ये छुरे के बगैर भी सही से वर्क कर रहा है। ये देखिए यहां पर इसका छुरा है और ये वर्क कर रहा है। अब दोस्तों ये वर्क जो है वो नहीं कर रहा है और ये वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों के प्राइस में डिफरेंस जो है वो जरूर से होगा। इसमें अगर छुरा निकल गया तो ये प्रोडक्ट यूजलेस सी हो जाएगी आपके पास। अब हम तीसरा वाला डिस्पेंसर जो है वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है थर्ड वाटर डिस्पेंसर। इसके नीचे मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। ये भी लॉक के साथ दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर लॉक जो है वो दिए गए हैं चारों तरफ। ये देखिए, अब इसमें भी हम पानी जो है वो पहले फील करते हैं। और दोस्तों लिक्विड डिस्पेंसर में एक चीज जो है वो देखने लायक होती है, चलिए मैं आपको पहले वो दिखाता हूं। दोस्तों कोई भी डिस्पेंसर जो है, ये बंद कर दिया, ये देखिए इसका पंप जो है वो नीचे तक जरूर से टच होना ही चाहिए, तभी आपको प्रॉपर जो है वो रिप्लाई मिलेगा, लिक्विड जो है वो प्रॉपरली आउट आएगा। वरना अगर ये थोड़ा सा ऊपर है तो प्रॉपर लिक्विड जो है वो बाहर नहीं आएगा। चलिए हम इसमें लिक्विड फील करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों,
पंप में कुछ खराब पानी होगा शायद इस वजह से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पानी जो है वो उछल उछल कर नहीं आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है। अब हम इसका भी छुरा जो है वो निकाल कर टेस्ट करते हैं। अब इसका बैलेट हम निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें विदाउट बैलेट भी पानी जो है वो आ रहा है। तो जिन जिन लोगों को ये कंप्लेन है कि हमारे लिक्विड डिस्पेंसर के अंदर पानी जो है वो नहीं आ रहा है, ये देखिए नहीं आ रहा है, तो उनका सीधा सिंपल सा रास्ता एक ये है कि आप ये छुरा जो है ये दोस्तों कहीं से भी मिल जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये छुरे की कीमत ये लिक्विड डिस्पेंसर से भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसके बगैर आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो यूजलेस हो जाएगी। वैसे दोस्तों, अब हमने ये चीज़ जो है वो बेचना ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि पहले हम खुद भी ये चीज़ नहीं जानते थे कि ऐसा इसमें होता है। अब देखिए, जैसे ही हमने छुरा जो है वो लगा दिया, आपका लिक्विड बाहर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी कमेंट जरूर से लगाइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर ये प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दी गई है, वहां पर जाकर आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट का, फिर भी आप क्वांटिटी में इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी क्वांटिटी की लिंक भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है kitchenwarewholesale.in, उसमें आपको अलग अलग प्रकार की किचनवेयर प्रोडक्ट जो है वो दे दी जाएगी, मतलब कि आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं, क्वांटिटी भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक बार जरूर से kitchenwarewholesale.in जो है वो वेबसाइट स्टडी कीजिए, वेबसाइट को देखिए। और अगर आप घर के लिए भी ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो काफी ही सस्ते दामों में, काफी ही अच्छे दामों में ये प्रोडक्ट जो है वो आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से kitchenwarewholesale.in से। तो वीडियो कैसा लगा इसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग में, खास करके अपनी फीमेल फ्रेंड्स जितनी भी हैं जो रसोई की महारानी होती है, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई प्रोडक्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।